Very good morning students, I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 5th and today we continue chapter 3 addition and subtraction of large numbers and today we do exercise 3.2. Now see, first in the book, this is your maths book, maths of class 5th. And open exercise 3.2. This is the exercise 3.2. Question number 1. Amul Milk Dairy sold dash liter of milk in 2010. एक अमूल मिल्क की डेयरी है, उसने 2010 में इतना मिल्क सेल कर दिया. And it sold dash liter of milk more than of 2010 in 2011. और फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2011 में उसने 210 में जितना मिल्क सेल किया था उससे भी इतना मिल्क और ज़्यादा सेल किया. इतना किया नहीं है बच्चा, इतना ज़्यादा सेल किया है. तो हाउ मच मिल्क डिड इट सेल इन 2011? तो 2011 में उसने कितना मिल्क सेल कर दिया. देखिए हम किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को. बच्चों जो इसमें मोर मिल्क है, इस मिल्क को हम इसमें प्लस कर देंगे तो इनका जो टोटल होगा वो मिल्क हमारा 2011 का होगा. देखिए किस तरह से लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आप लिखेंगे मिल्क सोल्ड इन 2010 इक्वल इतना मिल्क हमने सेल किया लीटर्स. इनके आगे लीटर्स लिखेंगे. फिर मिल्क सोल्ड इन 2011 इक्वल, अब देखो जो इतना तो किया ही था, इसमें इससे इतना और ज़्यादा किया तो पहले हम यही नंबर यहाँ लिखेंगे और फिर प्लस जो मोर वाला था मोर नंबर हम इसके नीचे लिख देंगे, डिजिट के नीचे डिजिट, बिल्कुल वंस के नीचे वंस, इस तरह से. अब हम इनको ऐड कर देंगे. ये 7 and 8 15, हम 5 लिखेंगे, 1 कैरी आ जाएगा, प्लस कर देंगे 5, 10 आ जाएगा यहाँ कॉमा, इसका 1 कैरी इधर, 8 4 फिर कॉमा, 5 and 7 12, 1 कैरी, 3 फिर कॉमा और एक 2. तो यही आंसर हम यहाँ लिख देंगे, 2 comma 3 2 comma 48 0 5 5. तो आंसर में लिखेंगे हम देयरफोर मिल्क सोल्ड इन 2011, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने के बाद जितना मिल्क आया इतना मिल्क उसने 2011 में सेल कर दिया. तो यही आंसर हमारा आ जाएगा. इसके आगे हम लिखेंगे लीटर्स, ओके, क्योंकि मिल्क किस में है, लीटर्स में. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. इतने लीटर्स वाटर वॉज सप्लाइड इन द मंथ ऑफ मे, यानी मे मंथ में इतने लीटर वाटर की सप्लाई की गई. एंड इतने लीटर्स वाटर मोर देन मे वॉज सप्लाइड इन जून, और जून में जो वाटर की सप्लाई की गई थी वो मे से भी इतना लीटर और ज़्यादा वाटर सप्लाई किया गया था, यानी कि ये ज़्यादा मोर है. तो कितना किया गया इसे हम इसमें प्लस कर देंगे, सेम इसी की तरह है फर्स्ट की तरह. फिर हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो 2 मंथ्स में सप्लाई किया गया है उसे निकालेंगे तो उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ओके. देखिए इस तरह से हम करेंगे. वाटर सप्लाइड इन मे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में इतना सप्लाई किया गया था. वाटर सप्लाइड इन जून, अब जून में जो सप्लाई किया गया था वो मे का जो था उसमें जो ज़्यादा था वो हमने ऐड कर दिया दोनों को. अब हम इनको प्लस कर लेंगे, 1 and 1 2 3 and 5 8 7 कॉमा आ जाएगा, 10 इसका 1 कैरी, 5 फिर कॉमा आ जाएगा, 8 and 2 10 0 1 कैरी, 3 आ जाएगा यहाँ फिर कॉमा, 5 and 4 9
इतना लीटर जून में सप्लाई किया गया था। अब पूरे 2 मंथ्स का निकालना है, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, अब हम ये आंसर और ये, इन दोनों को हमें प्लस करना है। ये हमारा जून का है और ये हमारा मई का है, तो इन दोनों को ही हमें प्लस करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, देयरफॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इन 2 मंथ्स, तो दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए हम उनको दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हम रफ में कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर करते हैं, तो आप तो हमारा पहले हम मई में लिखेंगे, मई का कितना था बच्चों, मई में था हमारा 5, 12, 47, फिर 651। अब जून का जो आया था वो आया था 9, फिर 30, 50 और 7, 8, 2। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 1 and 2, 3, ये 13 का 3, 1 कैरी आ जाएगा, 14, 1 कैरी आ जाएगा, 8, 9, 2, 4 और ये 14। तो ये हमारा, ये जो है वाटर, इतने लीटर वाटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लीटर्स, इतने लीटर वाटर दोनों मंथ में सप्लाई किया गया। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, सी इन द बुक, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, यानी इतने स्टूडेंट्स जो थे वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और इतने स्टूडेंट्स सिक्योर सेकंड डिवीजन, इतने स्टूडेंट्स सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं और ये स्टूडेंट्स सिक्योर थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं और ये नंबर है स्टूडेंट्स फेल, जो फेल हो चुके हैं, इतने स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, हम क्या करेंगे सभी नंबर्स को हम प्लस कर देंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन के आगे ही हमें इक्वल लगाना है। अब ये नंबर हमें थोड़े दूर दूर लिखने हैं, इसके नीचे लिखेंगे फिर सेकंड लाइन में सेकंड डिवीजन में कितने बच्चे पास हुए, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे बच्चों, आगे पीछे नहीं करना है। अब देखिए वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, फिर 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख और 10 लाख के नीचे 10 लाख, इसी तरह से डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है। तो ये हम यहाँ लिख देंगे, थर्ड डिवीजन में जितने बच्चे पास हुए हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, बिल्कुल इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए। अब फेल वाले स्टूडेंट्स इक्वल इतने हो गए, हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो बच्चों इन सभी को हम प्लस कर देंगे, इसी लाइन में सामने हम यहाँ पर लिखेंगे, अब इनको हम प्लस कर देंगे, 8 and 3, 11, 1 कैरी आ गया, 1, 1, 2, यहाँ 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 12, 18, 8, कॉमा लगा दिए, इसका 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, ये 3 and 5, 8, 9, 10, 15, 5 इसका 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, 1 and 4, 5 हो गए, 5 और 8, 13, 20, 21, 1 आ गया, कॉमा लगा दो, इसका जो 2 कैरी है वो हम यहाँ लगा देंगे, 2, 7, 1, 3, 4 सभी को प्लस कर देंगे, 14 हो गया, इसका 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, इन सभी को प्लस करेंगे हम 4, तो टोटल स्टूडेंट्स बच्चों इतने हो गए। अब यही नंबर हम यहाँ लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इक्वल, अब ये जो प्लस किया था वो हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, अ क्लॉथ मिल
produced dash meter clothes in 3 years. एक क्लॉथ मिल है, कपड़े की मिल है जहाँ पे कपड़ा बनता है बच्चों, उसने लगातार 3 साल इतने मीटर क्लॉथ्स उसने प्रोड्यूस किया यानी बनाया. फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स इन 3 ईयर्स. तो जो 3 ईयर्स में, तीनों साल में उसने टोटल कितना क्लॉथ बनाया, तो क्या करेंगे हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे. तो देखिए किस तरह से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोथ्स प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर. यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैंने इक्वल नीचे लिखा हुआ है. इसके सामने हम ये नंबर लिख देंगे मीटर, एम फॉर मीटर. इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना प्रोड्यूस किया, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा बच्चों. अब वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, इसी तरह से हम डिजिट के नीचे डिजिट लिखते हुए नंबर लिखेंगे. इन थर्ड ईयर में कितना प्रोड्यूस किया, ये नंबर आ जाएगा हमारा मीटर, तो ये मीटर लिखेंगे. अब टोटल प्रोडक्शन लिखना है, तो इन सभी को हम प्लस कर देंगे. देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, अब हम प्लस करते हैं. तो 0, 5 and 8, 13 3 हो जाएगा, इसका कैरी यहाँ आ जाएगा. 1, 1 फिर 1 हो जाएगा 3, कोई कैरी नहीं है. 8, 3, 8, 1 12 हो जाएंगे कॉमा, इसका 1 कैरी यहाँ आ जाएगा. 1, 7, 7, 6, 21 तो 1 आ गया, इसका 2 यहाँ कैरी आ जाएगा. 11 हो गया बच्चों 1, इसका 1 कैरी यहाँ आ जाएगा. 16, 6, 1 कैरी इधर आ जाएगा यहाँ, अभी हो जाएगा. 25, तो 5 इसका कैरी यहाँ आ जाएगा हमारे पास. ये 4, 5, 6, 7 तो ये हो गया 7. यानी कि 3 ईयर्स में उस मिल ने इतना क्लोथ प्रोड्यूस कर दिया. अब हम आंसर लिखेंगे, देयरफोर टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इन 3 ईयर्स इक्वल लगाएंगे हम. अब ये है नंबर, हम यहाँ लिख देंगे. मीटर, इतने मीटर क्लोथ उसने 3 ईयर्स में बनाया. सो एक्सरसाइज 3.2 इज कंप्लीटेड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.